नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनैत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शपथ पत्र में गलत व अपूर्ण जानकारी देने के बावजूद विजय वर्गीय को संरक्षण चुनाव आयोग से जिला निर्वाचन अधिकारी के गैर कानूनी कृत्य की करेंगे शिकायत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में गलत एवं अपूर्ण जानकारी दी गई है। विजयवर्गीय के द्वारा उनके खिलाफ दर्ज हुए सामूहिक बलात्कार के मामले को छुपाया गया है। इस मामले की कोई जानकारी इस शपथ पत्र में नहीं दी गई है। इस मामले में जब कांग्रेस के द्वारा आपत्ति ली गई तो राजनीतिक दबाव और प्रभाव के चलते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नियम के विपरीत आचरण कर कांग्रेस की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। शपथ पत्र में गलत व अपूर्ण जानकारी दिए जाने के सबूत होने के बावजूद विजयवर्गीय को संरक्षण दिया गया। कांग्रेस के द्वारा इस मामले में अब जिला निर्वाचन अधिकारी के गैर कानूनी कृत्य की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।